वेलकम बैक टू योर चैनल। सो विल बी स्टार्टिंग द एमसीक्यू सीरीज फॉर फिजिक्स एंड विल बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बेस्ट बाय विच डायग्राम। सो इन द फर्स्ट डायग्राम वी कैन सी दैट द देर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द फील्ड इज कमिंग लाइक दैट एंड इट इज़ द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर एंड इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इन सेकेंड इट इज लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो डायग्राम को नेगलेक्ट कर देंगे। तो बचे ये दो डायग्राम, अब हमें देखना पड़ेगा कि इंड्यूस ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सिमिलरली इसके लिए भी। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास फिर से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इस कंडीशन के लिए तो सही है, इस कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर तो ये सही आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट यहाँ पर देखते हैं तो ये इनवर्ड आ रही है पॉजिटिव चार्ज के, तो ये डायग्राम नेगलेक्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव की वजह से बाहर को जा रही है, तो हमारे पास ऑप्शन सही है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये तो बहुत क्लियर है, ई इक्वस टू एफ अपॉन क्यू होता है, यहाँ पर एफ की यूनिट एन और क्यू की यूनिट सी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो हमारे पास ऑप्शन है जीरो, कॉन्स्टेंट लेस देन जीरो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर या फिर कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सर्फेस, ये तो ट्रू है हमारे पास। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस, ये भी ट्रू है। गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो गया सी। अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट। अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो हमें क्या स्टेट कर रही है, देर इज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी, देर इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी, बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव। से इज देर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी, बट पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन द आउटर रीजन, नेगेटिव चार्जेस डिस्प्लेस फ्रॉम इस पोजिशन। तो इस पे हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक बॉडी पे अगर हम तभी उसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे जब उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, बट जो पॉजिटिव की क्वांटिटी है वो नेगेटिव से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज द अदर गेट्स नेगेटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी आर। तो इलेक्ट्रॉन्स का किससे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, बोथ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन शेल, येट टू बी एस्टेब्लिश। तो ये तो ऑप्शन पहले ही नेग्लेक्ट हो गया, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वैलेंस से ट्रांसफर होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और ये भी निगलेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बची ये दो। अब यहाँ तक तो हमारे पास वैल्यूज दोनों की सेम है, बट यहाँ पर मेन है यूनिट का, तो यूनिट कौन सी वाली सही है हमारे पास, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये वाली सही, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर एटॉमिक डिस्टेंस इक्वल्स टू 10^-11 मीटर, न्यूक्लियर डिस्टेंस 10^-15, चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल, ऑल द डिस्टेंस। सो हमारे पास ऑप्शन सही है कि कूलम्स लॉ खाली उन उसके लिए ट्रू होगा जिनकी एटॉमिक डिस्टेंस 10^-11 तक होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एट डिस्टेंस आर टू इक्वल चार्जेस आर कैप्ट, दे एग्जर्ट एफ फोर्स ऑन ईच अदर, वट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इफ द डिस्टेंस बिटवीन
इज डबल्ड एंड चार्जेस आर हाफ। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं इसको केस वन नाम देता हूँ। हमारे पास उसने कहा कि एक चार्ज एफ लग रहा है, किसके लिए, जब चार्ज हमारे पास क्यू है और डिस्टेंस आर है। तो हमारे पास के मैं कांस्टेंट लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर दो चार्जेज हैं तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर। तो हमारे पास पहली इक्वेशन से इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, एफ इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया। अब केस टू हमसे क्या कह रहा है कि अगर क्यू हो जाए हमारे पास क्यू बाय टू और आर जो है वो हमारे पास 2 आर हो जाए, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो एफ हमारे पास हो जाएगा के क्यू बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 आर का होल स्क्वायर, जो हमें देगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 4 आर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, आउटर टर्म्स मल्टीप्लाई इनर टर्म्स मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 आर। अब इसकी वैल्यू हमें पता है केस 1 से, क्या है, एफ, तो हम इसको लिख लेंगे एफ अपॉन 16। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके किसके टर्म्स में हमें इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे फील्ड स्ट्रेंथ देती है, डायरेक्शन हमें देती है, नेचर ऑफ चार्ज देती है। तो हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये इन तीनों के टर्म्स में देती है, तो हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ सेम क्वेश्चन, इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के फोर्स और इन दोनों के फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो ग्रेटर, स्मॉलर, जीरो या फिर सेम। ग्रेटर तो होगा नहीं क्योंकि चार्जेस सेम है, और स्मॉलर भी होगा नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन है जीरो, सेम इज द राइट ऑप्शन। 2 पॉइंट चार्जेस 20 माइक्रो कूलम्ब आर प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस। 2 माइक्रो कूलम्ब का एक चार्ज यहाँ और 20 माइक्रो कूलम्ब का एक चार्ज यहाँ, डिस्टेंस है हमारे पास 50 सेंटीमीटर और हमें निकालना है कि 25 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें 25 सेंटीमीटर पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हम इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस टाइप जाएगी, और इसकी वजह से कुछ इस टाइप, तो बीच में एक दूसरे को नेगलेक्ट करते हुए इंटेंसिटी हमारे पास मिड पॉइंट पे 0 है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑयल द कॉपर स्फेयर इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज ऑफ रेडियस आर इज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी कंडक्टर की, जैसे कॉपर, तो उसके हमारे पास होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, द फिगर हेयर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ एट पी वन इज ई वन, यहाँ पर हमें ई वन गिवन है पी वन पॉइंट पे और पी टू पे ई टू गिवन है। तो हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है, ई वन ग्रेटर देन ई टू, ई वन लेस देन ई टू, ई टू इक्वल्स टू आर ई वन और ई टू इक्वल्स टू ई वन अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, हमें एक चीज़ पता है कि डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो डिस्टेंस यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली यहाँ के, तो ई वन ग्रेटर देन ई टू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, सो विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।